हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, मेरे पास ये एक प्री फिल्टर हाउसिंग है। बेसिकली ये आरओ के साथ हम ये प्री फिल्टर हाउसिंग यूज़ करते हैं और इसका काम यह होता है कि पानी जो आरओ यूनिट में जाता है उससे पहले पानी जो है इस प्री फिल्टर में आता है और इसके अंदर जो सेडिमेंट फिल्टर जिसे हम लोग बोलते हैं वो मैक्सिमम जो है डस्ट मड पार्टिकल्स वगैरह जो पानी के अंदर होते हैं ये फिल्टर ही उनको फिल्टर कर लेता है, मतलब उन्हें बाहर ही रोक देता है और फिर जो पानी यहाँ से पास होके आरओ यूनिट के अंदर जाता है। इससे फ़ायदा यह होता है कि हमारा जो आरओ यूनिट है उसके अंदर जो पार्ट्स लगे होते हैं, बेसिकली उसके जो इनलैंड फिल्टर्स, उसका मेम्ब्रेन और बूस्टर पंप वगैरह जो होते हैं उसकी बहुत सेफ्टी होती है। क्योंकि अगर यह प्री फिल्टर आरओ यूनिट के साथ हम लोग नहीं लगाते हैं तो क्या होता है कि सारी जो डस्ट वगैरह है हमारी जो आरओ यूनिट है उसके अंदर ही चले जाते हैं और इसके जो मेन कोस्टली पार्ट्स वगैरह होते हैं, मेजर पार्ट्स जो होते हैं जैसे मेम्ब्रेन हो गया, आरओ का बूस्टर पंप हो गया, उसको डैमेज कर देते हैं और उसे ख़राब जल्दी कर देते हैं, मतलब उसका जो मेम्ब्रेन है बहुत जल्दी चोक हो जाता है। तो बेसिकली उसकी सेफ्टी के लिए हमें ये प्री फिल्टर बाहर लगाना पड़ता है। प्लस इसका फ़ायदा यह होता है पानी जो है डबल फिल्टर होके आरओ यूनिट के अंदर जाता है। अब सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि अब क्या होता है कि हमें कुछ समय बाद इस फिल्टर को टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ता है या इसकी क्लीनिंग करनी पड़ती है। हमारे पास बहुत से हमारी जो वीडियो हैं, हमारे पास बहुत से कमेंट्स आते हैं, सर हम ये प्री फिल्टर अपने आप कैसे साफ़ कर सकते हैं, हम प्री फिल्टर साफ़ तो करना चाहते हैं लेकिन ये जो बोतल है हमसे नहीं खुलती है। तो आज का ये जो वीडियो है मैं इसी टॉपिक पर, तो आज का ये वीडियो जो मेरा इसी बोतल पे बेस रहेगा या इसी प्री फिल्टर पे बेस रहेगा कि आप इसे ईजिली किस टाइप से क्लीन कर सकते हैं, या सबसे बड़ी जो समस्या हमारे पास जो क्लाइंट बताते हैं कि उनसे ये बोतल ही नहीं खुलती, तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि आप किस टाइप से ईजी वे में इस बोतल को अपने आप खोल सकते हैं। देखिए, इस बोतल को खोलने के लिए सबसे पहले हमारे पास कुछ बेसिक्स टूल्स की ज़रूरत होती है। जैसे यह एक स्पैनर होता है जो कि इस बोतल को खोलने में बहुत हेल्प करता है। इसके साथ हमारे पास ये एक स्क्रू ड्राइवर है। ये बहुत इजी वे में आपको बताऊंगा। वैसे तो दो तीन तरीके होते हैं जिससे कि हम लोग इस बोतल को ईजिली खोल सकते हैं, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल आपको जो पहले तरीका बता रहा हूँ उसे आप देखिए। एक ये हमारे पास स्क्रू ड्राइवर हो गया, उसके बाद मेरे पास ये एक टेफ्लॉन टेप होती है। बेसिकली जो हम यह यूज़ करते हैं टेप, ये हम पानी की लीकेज जो होती है, जो आरओ पार्ट्स में हम लोग जो जॉइंट्स वगैरह होते हैं उसकी लीकेज रोकने के लिए हम लोग यह टेप को यूज़ करते हैं। और मेरे पास ये एक कटर है जो कि पाइप कट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो मैं इस वीडियो में इन्हीं सारे पार्ट्स को या इन्हीं टूल्स को यूज़ करके ये बोतल कैसे खुलती है आपको बताऊंगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए यह जो आरओ यूनिट है, इस आरओ यूनिट का जो पार्ट होता है इसे प्री फिल्टर बोलते हैं, इसमें एक साइड इन होती है। इस पर आप देख सकते हैं, इस पर एक साइड में इन लिखा हुआ है, प्लस दूसरा जो है इसमें एक साइड आउट की रहती है। मतलब पानी सबसे पहले जो टैप से हम कनेक्शन लेते हैं वो इस इन वाले पॉइंट से, अगर कई बार इन पॉइंट नहीं लिखा होता तो इस पर एरो का निशान बना होता है। एरो मतलब जिस डायरेक्शन में होगा पानी का फ्लो उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो क्या होता है, पहले पानी यहाँ इनलेट आएगा, दूसरा ये आउटलेट आरओ यूनिट में चला जाएगा। तो ये कुछ पाइप्स जो हैं इस टैप से लगे हुए होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये बोतल ऐसे हैंग की गई है तो उसे आपको निकालना कैसे है। तो उसमें दोनों साइड में कुछ इस टैप से जो है पाइप्स लगे होते हैं। अब जनरली हमारे पास ये इंक्वायरी आती है, हमारे से पाइप नहीं निकल रहा है, हमें थोड़ा बताइए कि पाइप कैसे निकलता है। तो इस पाइप को निकालने के लिए एक टेक्निक होती है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले ये पाइप इस टैप से होगा, इस बोतल को हमें नीचे उतार लेना है, इसको ऐसे रख लेना है। इन वाला जो पहले हमें पानी की सप्लाई पीछे से बंद कर देनी है जहाँ से पानी का सोर्स है,
ये देखिए इस पाइप को हम ऐसे खींचेंगे तो ये बाहर नहीं आएगा। इसे खोलने के लिए ये मैं आपको दिखाऊंगा, इस पोर्शन में एक वार्सल टाइप से लगी होती है जहां ये पाइप इंसर्ट होता है। देखिए मैं ऐसे खींच रहा हूं, पाइप नहीं बाहर आ रहा है। इसे निकालने के लिए हमें एक नेल या अपने अंगूठे की हेल्प से या उंगलियों की हेल्प से इस पोर्शन को जो है ये वार्सल को नीचे प्रेस करना पड़ेगा इस टाइप से। इसका फोर्स इस टाइप रहेगा और फिर पाइप को हम बाहर खींचेंगे तो ये पाइप इजीली बाहर आ जाएगा। ये एक लॉक सिस्टम होता है जो कि जो नोजल्स वगैरह होते हैं आजकल जो नोजल आते हैं उनमें ये लॉक सिस्टम दिया होता है, तो इस टाइप से पार जो पाइप है आप बाहर निकाल सकते हैं। और फिटिंग करने के लिए ऐसे हम लगा के नहीं छोड़ देंगे, इस पाइप को थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ता है और हमें फील होता है कि किसी चीज़ में स्लॉट में जाके वो पाइप फंस गया है। इट मीन्स कि अब वो पाइप प्रॉपर फिट हो गया है और लीकेज के कोई चांस नहीं है। तो ठीक है, देखिए अब मैं दोबारा इस पाइप को निकालूंगा इस टाइप से, ये इन वाला पाइप हो गया। और यहाँ से ये मैंने आपको दिखाने के लिए फ़िलहाल ये टेम्परेली पाइप जोड़ा हुआ है, और यहाँ से आउट जो आर ओ यूनिट में पाइप जाता है इसको भी हम ऐसे निकाल लेंगे। ये दोनों पाइप निकाल लिए हमने, इन और आउट का, इसको हमने साइड में रख लिया। और अब क्या करना है हमें इस बोतल को खोलने के लिए, क्योंकि हमें अब इसका फिल्टर क्लीन करना है या हमें इसका फिल्टर चेंज करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक इन और आउट वाली जो है ये कुछ इस टाइप से नोजल्स इसमें लगा रखी होती हैं। ये देखिए ये टेम्परेली मैं आपको जुगाड़ बता रहा हूँ जो कि आप अपने आप से कर सकते हैं। इस नोजल को मैं क्या है खोल लूँगा इस टाइप से, मैं ये नोजल खोल लूँगा। ये देखिए ये नोजल निकल गई और अब हमारे पास एक साइड नोजल रह गई और एक साइड हमने नोजल खोल ली। अब इस बोतल को खोलने के लिए हमें क्या करना है, ये स्पैनर लेना है और इस स्पैनर को हमें कुछ इस टाइप से इसमें लगा देना है। लगाने के बाद क्या करना है, ये जो स्क्रू ड्राइवर हमारे पास टेम्परेली एक जुगाड़ जो रहता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आदमी या जो हमारे क्लाइंट हैं वो ऐसे ही लगी हुई बोतल जो ऊपर टंगी होती है बोतल को ऐसे खोलने की कोशिश करते हैं तो फोर्स नहीं लग पाती है, या तो ये क्लैंप टूट जाता है या फिर ये बोतल खुलता ही नहीं है। तो फिर कई बार हमारे पास इंक्वायरी आता है कि फिर हमें कोई इजी वे बताइए कि कैसे खोल सकते हैं, या हमारे पास भी ये बोतल लेके आते हैं कि जी इस बोतल हमारे इससे नहीं खुल रही, इससे आप खोल दीजिए। तो आप अपने आप इस बोतल को खोल सकते हैं, ये स्पैनर ऐसे लगा दिया और ये स्क्रू ड्राइवर लिया, जहाँ जिस पोर्शन में हमने ये नोजल निकाली थी इसको हमने ऐसे लगा दिया स्क्रू ड्राइवर को। ऐसे लगाने के बाद हमें थोड़ा सा ऐसे सपोर्ट करना है और इस वाले जो पोर्शन को हमें अपनी तरफ खींचना है और इसको भी इस टाइप से जोर लगाना है। ऐसे जोर लगाएंगे तो देखिए ये बोतल ईजिली खुल जाएगी, ये लूज़ हो गई। लूज़ होने के बाद जो है हम ये इसका ऊपर का जो पोर्शन है कैप जो होती है इसको हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। निकालने के बाद जो है इसके अंदर से जो फिल्टर है इस टाइप से ये फिल्टर निकलेगा। किसी प्री फिल्टर में ये डिज़ाइन का फिल्टर होता है, किसी में चूड़ी वाला फिल्टर होता है, काम दोनों का सेम रहता है, डस्ट मट पार्टिकल्स वगैरह ब्लॉक करना ही। लेकिन अगर हम प्री फिल्टर यूज़ कर रहे हैं तो हमें ये ज़रूर ध्यान रखना होता है कि जो प्री फिल्टर है वो बढ़िया क्वालिटी का हो, क्योंकि अगर हम लोग हल्की क्वालिटी का प्री फिल्टर लेंगे, मार्केट में हल्की क्वालिटी भी चलती है और बढ़िया क्वालिटी भी चलती है, लेकिन अगर हम हल्की क्वालिटी का फिल्टर लेंगे तो क्या होगा कि ये फिल्टर जो है सही से डस्ट वगैरह नहीं रोक पाएगा और डस्ट जो है आर ओ यूनिट के अंदर चला जाएगा। तो इसलिए स्पेशली मैं आपको ये ज़रूर जानकारी देना चाहूँगा, जब भी आप फिल्टर यूज़ करो बढ़िया क्वालिटी का 5 माइक्रोन का फिल्टर आप यूज़ करो, हैवी क्वालिटी का। तो देखिए इस टाइप से ये फिल्टर निकाल लेंगे हम। अगर आप इस फिल्टर को 15-20 दिन बाद क्लीन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, ये फिल्टर को ऐसे निकाल के ये देखिए ये सारी डस्ट इसमें आपको दिख रही होगी। जब इसमें हम फिल्टर नया लगाते हैं तो इसके ये पूरा वाइट कलर का होता है, लेकिन कुछ समय जैसे जैसे हम इस फिल्टर को यूज़ करते हैं तो इसका कलर ब्राउन होने लग जाता है। ब्राउन मतलब ये सारी डस्ट बाहर रोक लेता है और पानी यहाँ से फिल्टर होके आर ओ यूनिट में जाता है। ठीक है, अगर आपको ये फिल्टर फिलहाल क्लीन करना है 15-20 दिन बाद या एक महीने बाद ये फिल्टर क्लीन करना है, तो आपको क्या करना है, फिल्टर निकाल के
जो आप टैप्स यूज़ करते हैं टैप के नीचे ले जाना है, और उस टैप में प्रेशर जो होता है उस प्रेशर के नीचे इसको वॉश करना है, मतलब अंगूठे से दबा के टैप को प्रेशर को दबा कर, और उससे फाउंटेन बनेगा जो कि इस फिल्टर पे आप मारेंगे प्रेशर तो डस्ट वगैरह जो है बाहर निकल। बाकी ये जो फिल्टर किस टाइप से क्लीन होता है, हम इस पे प्रेशर किस टाइप से बनाएं, या इसको हम प्रेशर से कैसे साफ़ कर सकते हैं, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जो कि हमारे चैनल पर है। आप वो जाकर हमारे चैनल पर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, और हमारे चैनल पर जो वीडियो अपलोड है उसमें आपको दिख जाएगा कि हम ये फ़िल्टर किस टाइप से क्लीन कर सकते हैं, या एक बैक फ्लश टेक्निक होती है जिससे कि क्या होता है, अगर हम प्रेशर मारते हैं तो सिर्फ ऊपर की डस्ट, ये सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन ही क्लीन होता है, लेकिन बैक फ्लश जो हम फ्लशिंग जिसे बोलते हैं उससे क्या होता है, अंदर तक जो मिट्टी है जो डस्ट वगैरह है वो बाहर निकल जाती है, तो फिल्टर अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो ये प्रोसेस आप 15-20 दिन बाद या एक महीने बाद आप कर सकते हैं, फ़िल्टर क्लीन कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके पानी का यूज़ कितना है, आपके पानी की क्वालिटी कैसी है, या आपके यहाँ अगर डस्ट ज़्यादा आती है तो इसको जल्दी आप क्लीन कर सकते हैं, अदरवाइज़ एक महीने बाद इसको आप रेगुलर क्लीन कर सकते हैं अपने आप से अगर आप चाहें तो। और दूसरी बात, इस फिल्टर को मैक्सिमम आपको 6 महीने बाद रिप्लेस कर देना चाहिए, मतलब अगर हम लोग इस फिल्टर को बार बार क्लीन करेंगे तो इसके जो पोर्स होते हैं वो जो 5 माइक्रोन के जो पोर्स होते हैं वो खुल जाते हैं। अब खुलने से क्या होता है, जो इसका पोर का जो साइज होता है वो बड़ा हो जाता है, तो जितना फाइन फिल्ट्रेशन वो 5 माइक्रोन में करता है तो वो क्या होता है, साइज बड़ा होने से वो 10 माइक्रोन का वो फिल्टर बन जाएगा, तो उतना फाइन फिल्ट्रेशन नहीं कर पाएगा, तो भी फिर क्या होता है कि डस्ट आगे यूनिट में चला जाता है, RO यूनिट में चला जाता है, और मेम्ब्रेन और अदर फिल्टर्स को नुकसान करता है। तो ये मैंने आपको बताया कि बोतल किस टाइप से हम खोल सकते हैं, खोल के फ़िल्टर को हम किस टाइप से क्लीन कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो है कि ये फ़िल्टर हम कैसे क्लीन कर सकते हैं, और इसकी मैक्सिमम लाइफ कितनी रहती है वो मैंने आपको बताया कि 6 महीने में इसे चेंज कर देना चाहिए। अब क्लीन करने के बाद वापस हमें रिप्लेस कर सकते हैं 6 महीने बाद, और वापस क्या है, इस फिल्टर को लगाने के लिए हम धोने के बाद या नया फ़िल्टर अगर आप इसमें फ़िट कर रहे हैं तो सिंपल आपको ये फ़िल्टर इस टैप से इसमें फ़िट करना है। ये आप देख सकते हैं, ये अंदर का पोर्शन मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूँगा कि दिखाएं, ये इस टैप से फिट हो जाएगा। अब फिट होने के बाद ये जो कैप रहता है, कैप पर क्या है, हमें थोड़ा सा ये टेफ्लॉन टेप अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी इस कैप को टाइट कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये टेफ्लॉन टेप है, या मैं टेफ्लॉन टेप लगाना ज़्यादा पसंद करता हूँ। एक तो जो रोल है ये टेफ्लॉन टेप के आप इसमें लगा सकते हैं ढक्कन से, इस टाइप से। इससे ये रहता है कि जो बोतल टाइट करने के बाद बोतल जो है लीक करने के चांसेस लगभग 0% हो जाते हैं। अब इसे फिर क्या करेंगे, इस टाइप से हमें चूड़ियाँ सही से बिठा लेनी है। कई बार क्या होता है कि ये जो चूड़ी वाला पोर्शन है ये सही से बैठता नहीं है, और चूड़ियाँ जो है टेढ़ी या ऊपर नीचे होके चढ़ती हैं, तो उससे ये होता है कि बोतल जो है फैल जाती है, फैलने से इसका ग्रिप ख़त्म हो जाता है और ये बोतल जो है सही से बैठ नहीं पाती इसकी कैप, और बोतल डैमेज होने के भी चांस रहते हैं। तो ये ज़रूर ध्यान रखना है कि हमें बोतल का कैप प्रॉपर चूड़ियों को के साथ मैच करके ही हमें लगाना है। अब ये हमारा लगभग मैंने इसको 90% टाइट कर लिया है। अब जो है 100% टाइट करने के लिए, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि इसमें से लीकेज ना आए, उसके लिए हमें फिर इसे टाइट करना है। अब टाइट करने के लिए मैं आपको एक टेक्निक फिर और बताता हूँ। अभी तो खोलने के लिए मैंने आपको बताया था इस टाइप से, अब टाइट करने के लिए क्या होगा, फिर दोबारा से हम क्या करेंगे, इस स्क्रू ड्राइवर को इस वाले पोर्शन में डालेंगे जहां हमने नोजल निकाली थी। अब इनको दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना, मतलब ये जो स्क्रू ड्राइवर वाला जो पोर्शन है इसको अपनी तरफ खींचूंगा, और ये जो स्पैनर है इसको इस टेबल की तरफ नीचे की तरफ धकेलेंगे। तो जितना मैक्सिमम आप कर सकते हैं इस टाइप से मैंने ये टाइट कर दिया। अब टाइट करने से ये रहेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा और टाइट करने की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि अगर मैं और ज़्यादा टाइट करूँगा तो कई बार क्या होता है कि ये बोतल नीचे फैल जाती है,
फैलने से क्या होता है, जो प्रॉपर जो फिल्टर की ग्रिप बननी चाहिए वो नहीं बनती। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना, एक लिमिट तक लगाना है जहाँ आपको लगे कि इस यहाँ आकर बॉटल टाइट हो गई है। उसके बाद ये नोजल जो मैंने निकाली थी इस पर भी देखिए टेफ्लॉन टेप लगा होता है, इस पर मैं दोबारा टेफ्लॉन टेप थोड़ा सा लगा लूँगा और इसको दोबारा मैं इस टैप से फिर इस नोजल को टाइट कर दूंगा। इस टैप से टाइट कर दिया। ये नोजल लगाते हुए भी हमें यह ध्यान रखना होता है कि ये पॉइंट्स जो हैं या जो जॉइंट्स हैं वहाँ से लीकेज नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ से लीकेज आती है तो बहुत परेशानी होती है, स्लैब पे पानी फैल जाता है, किचकिच रहती है, तो ये बहुत बड़ी समस्या रहती है। हमारे पास ऐसी डेली कंप्लेंट्स हमारे पास आती है और हमारी जो टीम है वो दिन में कम से कम 40-50 कंप्लेंट्स ऐसी फेस करती है कि किसी पॉइंट से लीकेज आ रही है, किसी पॉइंट से लीकेज आ रही है। अगर ज़्यादा पुरानी ये नोजल्स हो गए हैं तो आप इनको भी चेंज कर सकते हैं। अब दोबारा से जब हमें पाइप लगाना है, मान लो ये पाइप है आपके पास, अब इसके बाद जब आप पाइप दोबारा से इसमें फ़िट करेंगे, सेम वही पाइप अगर फिट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो इसके एज जो होते हैं, जो इसके किनारियाँ होते हैं, इनको हल्का सा आप इस टाइप से काट लीजिएगा। काटने से ये होता है कि प्रॉपर जो है ये पाइप स्लॉट में जाके फिक्स हो जाता है। ये इस टाइप से फिट कर दिया और ये आउट वाला पोर्शन भी हम इस टाइप से फिट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको, या यूं बोले मैंने आपको बताया कि आप इजी वे में किस टाइप से आरओ का प्री फिल्टर हाउसिंग ओपन कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो या छोटी सी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, एक बात मैं आपको और कहना चाहूँगा, आप हमारी वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन शायद आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ याद रखिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।